केले का कोफ्ता बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है लहसुन और हरी मिर्च। तो आप गिरा दो, यहाँ पे क्वांटिटी देख लीजिए। और दो बड़े साइज़ का प्याज हमने काट के ले लिया है। अब इन सबको साइड करके जो लहसुन मिर्चें हैं उन्हें हम लोगों को कूट लेना है। इन सबों को हम लोग डालेंगे केले के पकौड़े बनाते टाइम जो कोफ्ते में पड़ने हैं। इसके दौरान हमने स्टार्टिंग में ही जो कच्चे हरे केले होते हैं उन्हें ऊपर और नीचे का पोर्शन काट के कुकर में बॉयल होने के लिए रख दिया था, जिसमें हमने 2 सीटी लगाई है। अब कुछ इसका हाल देख लेते हैं। तो कुकर यहाँ पे हमने खोला है और देख लीजिए कुछ इस कलर का आपको देखने को मिलेगा। ये परफेक्टली बॉयल्ड हो चुके हैं। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे एक प्लेट में। याद रहे कि आपको इन केलों पे ठंडा पानी नहीं डालना है, क्योंकि डायरेक्टली जो बॉयल होके आते हैं उन पे ठंडा ठंडा पानी डाल देने से वो थोड़े से कड़े हो जाते हैं और हमें पकौड़ों को कड़ा नहीं करना है। तो यहाँ पे जो केले हैं इन्हें हम लोग छील लेंगे। ये अभी गर्म है थोड़े, तो हाथ को संभाल के छीलना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सारे केले के गुद्दे को अलग कर लेना है और छिलकों को अलग कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे केले छिल चुके हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैश कर देते हैं, अभी वैसे गर्म है तो बढ़िया से मैश करने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने बस हल्का हल्का सा इसका शेप बिगाड़ दिया है ताकि कोई जान ना पाए कि ये केले थे। तो अब जब ये ठंडे हो चुके हैं तो इसमें हम लोग डालेंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार। और याद रहे आपको पूरे कोफ्ते में जितना नमक चाहिए पूरा नमक इसमें नहीं डालना है, उससे थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि ग्रेवी में भी नमक पड़ता है बाद में। अब जो लहसुन मिर्ची का पेस्ट था हमने इसको इसमें डाल दिया है। अब आधी चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, आपको जैसा भी कलर उसका पसंद है। अब इन तीनों चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे बेसन। तो बेसन हमको सिर्फ बाइंडिंग पर्पस के लिए चाहिए, तो आधा कप बेसन इज़ इनफ। यहाँ पे हमने बेसन को भी अच्छी तरीके से इसमें मिला लिया है। अगर हम लोग इसमें बेसन नहीं डालते तो सारे केले जो हैं वो तेल में बिखर जाते, तो पकौड़े बन नहीं पाएंगे बिना बेसन के। तो बेसन डालना भूलिएगा नहीं। यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको मैश करते हुए मिला लेना है। जो थोड़े थोड़े फुटकी पड़ जाते हैं उसमें ना उसको भी फोड़ लेना है। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई पे तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो राउंड राउंड बॉल बना लेने हैं और तेल जो है उसको चारों साइड कढ़ाई में फैला लेना है ताकि जब पकौड़े आप इसमें डालें तो उस साइड में कहीं भी चिपके नहीं। अब जो भी हमने बना के रखा हुआ था गर्म हो जाने के बाद तेल को, उसमें हमें ये पकौड़े डाल देने हैं। और आपकी जो फ्लेम है गैस की ये आपकी मीडियम टू हाई पे रहेगी, हमें इसे लो आंच पे नहीं पकाना है वरना ही कड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक बार जितने छाने जा सकते हैं उतने कढ़ाई में डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए इसको पक लेने दीजिएगा वरना ये चिपक जाएंगे, और थोड़ी देर के बाद आप इस तरीके से इसको चला सकते हैं। गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो चुके हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। फ्लेम हमने हाई करके रखी हुई है, देख लीजिए इनका एक ठो जल गए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा देर तक आपको इन्हें गैस पर छोड़ना नहीं है वरना इसी तरीके से ये जलने भी लगते हैं। तो थोड़ी थोड़ी जल्दी ही इसको पलटना शुरू कर देंगे जब ये कलर चेंज होना शुरू होता है, वरना ये बहुत तेज़ी से फिर जलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको हमें निकाल लेना है एक प्लेट में, क्योंकि अभी इसके बाद भी हमें इन पर कुछ काम करने हैं।
अभी जो बाकी का मटेरियल बचा हुआ है उनके भी हम लोग इसी तरीके से पकोड़े बना के छान लेंगे। फटाफट से इसको कढ़ाई में डाल लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसके साथ और क्या करना है हमें। तो यहाँ पे इन सबको हमने डाल दिया है, जो थाली में ये बैटर बचा हुआ था ना इसको हम लोग घोल लेंगे, ये जाएगा आपके ग्रेवी में ताकि ग्रेवी बन सके गाढ़ी। यहाँ पे सारे पकोड़े हमने बना लिए थे, अब मसाला तैयार कर लेते हैं। लहसुन था उसमें जीरा डाला 1 चम्मच, लौंग हमने 3 4 टो डाली थी, 1 बड़ा इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और प्याज इसे हमने पीस लिया था। अब यहाँ पे लिया है हमने जीरा 1 छोटा चम्मच, मंगरेला है, अजवाइन है, यहाँ पे तेजपात लिया है और 1 चुटकी हींग ली है। अब इसको गरम तेल में हमने इसे फोड़न डालने के लिए यूज़ किया है। अब ये जब तड़कना शुरू हो जाएगा ना तो उसके बाद इसमें जो बचे हुए थोड़े से प्याज थे वो डाल देने हैं हमें। अब इन प्याज को हमने करना है गोल्डन ब्राउन, और ये जब तक फ्राई हो रहे हैं तब तक हम लोग अपने पकौड़ों का काम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पकौड़ों में आपको इस तरीके से छेद करना है। छेद क्यों करना है? ताकि ये ग्रेवी को अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर ले और ये जितने सॉफ्ट बनते हैं उससे थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट बने, ठीक है। तो इसी तरीके से कांटे की मदद से हम लोगों को सारे पकौड़ों में छेद कर देने हैं और यहाँ पे इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। तो प्याज का कलर जब चेंज होना शुरू हो जाए तो इसे थोड़ा जल्दी जल्दी आप चलाना शुरू कर दीजिएगा, वरना ये भी जलने लगेंगे पकौड़ों की तरह। कुछ अंतर तो है नहीं, है ना। फ्लेम यहाँ पे आपकी मीडियम रहेगी गैस की, और इसके बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए पूरी तरीके से तो जो मसाला हमने पीसा था ना, है ना, दालचीनी वाला, याद है, तो वो वाला मसाला आपको इसमें डाल देना है। और इसके बाद इसको हमें भूनना है तब तक जब तक ये मसाले में से तेल अलग ना होने लगे। कढ़ाई छोड़ देगा मसाला तो समझ जाना कि ये पक चुका है जैसा हमें चाहिए वैसा। तो इसको चलाते हुए आपको पकाना है कुछ इस तरीके से। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका। तो इसको हम लोगों को चलाना, इतनी प्यारी सी इसमें से खुशबू आने लगती है ना इस स्टेज पे कि मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। तो यहाँ पे देखिए ये पक चुके हैं अच्छे से। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला जो पैकेट वाला आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप डाल दीजिए, मैं यही कहूँगी। अब देखिए ये जब ऐसे उबलना शुरू हो जाए ना तो इसमें आपको डाल देना है नमक, जो ग्रेवी के पोर्शन वाला था वो वाला नमक आपको इसमें डाल के बढ़िया तरीके से मिला देना है। और जब ये बढ़िया तरीके से मिल जाए तो इसमें हमने जो वो पकौड़े छानने के बाद थोड़ा बहुत बेसन बचा हुआ था ना जो थाली में घोल के रख लिया था वो वाला पानी इसमें डाल देना है। अब इसको डालने के बाद भी अगर कम लग रहा है तो उसके बाद आप अलग से पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है ये कम ही होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ उसमें बचता नहीं है पकौड़े बनाने के बाद। तो इसको इस तरीके से चलाना है और एक्स्ट्रा वाला जो पानी है वो भी डाल ही लेना है। और जब ये सब हो जाए कार्यक्रम तो इसके बाद हमने जो पकोड़े छेद करके साइड में रखे हुए थे वो वाले पकोड़ों को इनमें डाल देना है ताकि ये जाए और अपना ग्रेवी पी जाए। तो इन सबको हम लोग धीरे धीरे ऐसे डाल लेंगे अपना हाथ बचाते हुए मुंह बचाते हुए, और उसके बाद इसको हमें ढक लेना है किसी भी एक प्लेट से, ढक्कन से, जो भी है आपके घर में उससे ढक दो, ठीक है। उसके बाद का काम ये लोग अपने आप कर लेंगे क्योंकि ग्रेवी उसको पकने में मदद करेगी, बार बार चलाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और बस 1 राउंड इसको ऐसे हिलोड़ देंगे, हो गया अपना काम। इसको हम लोग ढक के छोड़ते हैं। वीडियो जो है वो हमारी बन चुकी है, अगर वीडियो आपको ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए मैं चली कोफ्ते खाने। और एक बात याद रहे, अगर मेरी ही तरह आप भी लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं कोफ्तों को तो इसके पकते ही आपको इसे निकाल लेना है दूसरे बर्तन में, वरना इसका कलर बहुत ही ज़्यादा काला हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। कोफ्तों का कलर कोफ्तों की तरह रहे तो अच्छा लगता है ना। तो हाँ, एक और बात, ग्रेवी के साथ हमने इसे 10 मिनट तक पकाया था लो आंच पे, वहाँ पे आपको मीडियम हाई आंच नहीं करनी है वरना सारी ग्रेवी जल जाएगी, बचेगा उसमें कुछ नहीं, और आप कहोगे कि सुमित तुमने बताया नहीं। यहाँ पे देखिए कितना ये सुंदर लग रहा है, खुशबू ले लीजिए। बाय बाय।